2007 से 2012 तक बहुजन समाज पार्टी स्पष्ट बहुमत से थी इस उत्तर प्रदेश में, पूर्ण बहुमत की सरकार थी, और 2022 आते आते आज नेस्तनाबूद हो गई। क्यों हो गई, क्या कारण है उसका? उनकी बातों पर विश्वास खत्म हो गई। अगर इन्हें भी अपनी बातों पर विश्वास खत्म करने हैं तो एक आध योजना और डल देंगे, इनकी पे भी इलाज हो जाएगा इनका भी। मतलब 50 साल और इंतजार करोगे? 50 साल के तो 50 साल करे उसके, इसका एग्जांपल तो 70 साल किया ना। और बसपा का जो दिया उसे भूल गया, उन्होंने भी 4 बार किया तो उनका भी इंतजार करोगे तो इस भाई 5 साल तो अब दे ही दिए ना। अब तो तुम्हें भी पता हमें भी पता संघर्ष ही करना है, अब तो 27 तक संघर्ष तो करना है। अगर 27 तक ये अपने विश्वास जो इन्होंने विश्वास दिया उस पर खड़े उतरते हैं तो ये आगे जीत जाएंगे, और अगर इन्होंने विश्वास खत्म कर दिया जो हालत औरन की हुई है वो इनकी तो हुई है। विश्वास है आपको बीजेपी? भाई मुझे तो है या नहीं है, लेकिन कुछ लोगों पे तो है, कुछ लोगों ने तो जिन्होंने वोट दिया उनका तो है। नहीं हमें नहीं है, हमें बिल्कुल विश्वास नहीं है, ये विश्वासघात करते हैं। हम अपनी बात समझाने में कहीं कामयाब नहीं होंगे, कुछ लोगों को अभी पता नहीं चल पाई है, अब पता चल जाएगी। जो ये सोचते हैं फ्री का राशन मिल जाएगा उसी से जीवन कट जाएगा, जो ये सोचते हैं कश्मीर फाइल्स देखने से देश बच जाएगा, तो वो देखते रहेंगे। जब एक दिन ये आ जाएगी हालात कि दो रोटी खाना ही देश की विकास में गिनती हो जाएगी, तब ये सरकार चली जाएगी। आगे आंदोलन की उम्मीद की जाए? आंदोलन होगा, आज नहीं लग रहा आंदोलन होता, पूरे देश में आंदोलन है आज भी। ये तो ज्ञापन दे रहे हैं आप, अगर इसी को आंदोलन मांगते हो कि टायर जले, गाड़ी फूके, आंदोलन हो, जवान और किसान के आपस में झगड़े हो, तो वो भी आंदोलन नहीं, आंदोलन सांकेतिक भी होता है। ये सब काम आंदोलन, एक महात्मा गांधी जी ने 90 साल तक लड़ाई लड़ी तो इसका मतलब ये नहीं था कि देश आजाद 1947 में ही क्यों हुआ, 1857 में हो जाता। तरीका से होगा और इलाज होंगे, सबके होंगे, इन्हें बता दिया है, कोई अपने घमंड में ना रहे। टायर भी जलाए, जवान भी आपस में लड़े, आप तो सारे काम करे आपने ये। अरे सब कुछ होगा, धीरे धीरे तो होगा, तू एकदम चाहेगा एकदम भी जाएगा सरकार से कुछ जावे? अरे तरीका से होएगा, सब काम होंगे, या तो सरकार अपना काम कर ले भाई ढंग से। ये बाबा से डरने लगे अब? कोई काई से नहीं डरता, और जनता किसी से नहीं डरती, ये जनता का जनमत है, अगर जनमत मिला तो उसका काम करें, जैसे भी लिया है ये सबको पता है। ये और लोग बोल तो रहे, आप तो बोलने से भी बंद हो गए। आज का ज्ञापन था संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर, जो पिछले दिनों हमने 13 महीने लगातार दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठकर धरने दिए थे, उसमें देश की सरकार ने 3 काले कानून तो वापस लिए, लेकिन जो MSP एक बड़ा विषय था उसके लिए कहा गया कि हम एक कमेटी बनाएंगे, ये टेक्निकल मामले हैं। एक कमेटी बनाने के बाद में कि MSP किस तरीका से जारी की जाएगी उसको लेकर के बातचीत होंगी, और जिन किसानों पर मुकदमे दर्ज हो गए हैं वो मुकदमे वापस लिए जाएंगे, जो आंदोलन के दौरान कुछ किसान घायल हो गए हैं उनके लिए मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन कोई भी कार्य नहीं हो रहा। उसको लेकर के आज संयुक्त किसान मोर्चा ने वादा खिलाफी दिवस मनाया, और पूरे देश के DM ऑफिसों पर DM के द्वारा राष्ट्रपति महोदय के नाम एक ज्ञापन सौंपा, उसी को लेकर के आज हम यहाँ पर आए। पवन जी लगता है आपको कुछ हो पाएगा अब इन ज्ञापनों का? देखो हमारी कलम में पावर तो है नहीं, हमारा तो आंदोलन में पावर है, और देश की जनता को जागृति करने में हम अपना पूरा योगदान दिए हुए हैं, कि लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जो लोग ये कहते थे कि ये अनर्गल तरीका से यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमने सरकार की बात मानते हुए आंदोलन समाप्त किए। आज हमें ये लग रहा है कि MSP को सरकार कानूनी जामा नहीं पहनाना चाहती, तो हमारे पास फिर वही रास्ता है आंदोलन का। पर आंदोलन तो आपका बिखर चुका है, टुकड़ों में बट गए आप लोग तो। आप पर एक ही विषय है कि आंदोलन बट चुका है, किस तरीका से बट चुका आप बता दो। आधे चुनाव लड़ लिए, आधे पैसों को लेकर लड़ रहे हैं आपस में, चंदे के पैसे को बटवा रहे हैं। ना कोई चुनाव पे लड़ा, ना कोई चंदे पे लड़ाई हुई, हाँ लेकिन ये जरूरी है कि घर में बैठ के क्या हिसाब नहीं होता? क्या जो आदमी घर में बैठ करके कहीं वोट दिए हैं और कोई वोट लेके आया है उस पर चर्चा नहीं होती? वो सारी चीजों पर चर्चा हुई और ये चर्चा का विषय होता है, लेकिन आंदोलन पहले भी मजबूत था, आज भी मजबूत है और आगे भी मजबूत रहेगा। जितने बहुमत से BJP जीत रही है अब लगता है आपकी बात सुनेगी वो, पहले तो चुनाव का डर था तो आपसे वादे कर देते हो। 2018 में 3 प्रदेशों में BJP खत्म हो गई थी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। क्या किसी मीडिया बंधु ने ये पूछा था कि प्रधानमंत्री जी का आज मॉडल डाउन हो गया, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए? मतलब क्या सिस्टम बना रखा है ये मीडिया ने,
हम लड़ाई लड़ रहे थे या हम चुनाव लड़ रहे थे? चुनाव हम आज भी चुनाव, आज भी हम आंदोलन तो लड़ लेते हैं, कोई चुनाव नहीं लड़ रहा हम। वोट देना अगर चुनाव लड़ना है तो इस देश का लोकतंत्र कहता है वोट देने का। आप तो बीजेपी को उखाड़ने की बात करते थे ना। बीजेपी को उखाड़ने में क्या 274 उखड़ी नहीं है बीजेपी, 70 सीट कम नहीं हुई। आप कैसे नहीं मानते उखड़ी नहीं है? कौन जीत गए 70 सीट कम करके? हम, अरे कमाल की बात है, जो 70 कम कर सकता है वो 270 भी कम कर सकता है। तो क्यों नहीं करें? दिमाग की भूल रहा, निकाल दो अपने की। आप अगर हम 70 कम कर सकते हैं तो 270 भी कम कर सकते हैं। आपने तो खुद बीजेपी को सपोर्ट किया, बताइए। कौन कह दिया बीजेपी को सपोर्ट कर दिया हमने भाई? अब तुम्हें सुनने में क्या क्या आ रहा है? नोएडा के तमाम गुजरों ने बीजेपी को वोट दिया। नहीं यहाँ ना गुजर की कोई बात नहीं होती है, ये एक बिरादर का नाम नहीं होना चाहिए। हमारी जाति किसान है, हम ना गुजर है ना जाट है ना ठाकुर है ना यादव। किसान तो राजनीतिक हो गए ना अब सर, किसान बचे कहाँ? देश का किसान राजनीतिक ना हो, इसमें तुम्हें क्या दिक्कत है भाई? 22 जत्थेबंदियों ने चुनाव लड़ा है सर। अरे देश का किसान राजनीतिक नहीं हो सकता क्या? दावेदार भी थे उनमें। अरे मैं ये कह रहा हूँ देश का किसान राजनीतिक नहीं हो सकता। अगर जो आदमी इस देश में वोट डालता है वो राजनीतिक होता है। तो खुल के आइए ना फिर। खुल के कैसे? अब तुम्हें खुल के नहीं दिख रहे, खुल के नहीं दिख रहे क्या? जो लोगों ने ये कहा है कि हम 5 साल राशन फ्री देंगे, हम राशन को फ्री दिलवाने की कोशिश करेंगे। जिन्होंने कहा है कि हम 5 साल बिजली मुफ्त देंगे, हम बिजली मुफ्त दिलवाएंगे। जिन्होंने कहा है कि गन्ने के पेमेंट पे हम ब्याज रुपए दिलवाएंगे, हम उनको ब्याज रुपए दिलवाएंगे। हम आंदोलन करेंगे, जो जो इन्होंने मुद्दे लिए हैं, जो इन्होंने कहा है कि हम ये संकल्प पत्र में संकल्प लेते हैं, हम उसको लागू कराएंगे हर कीमत पे। तो मिल नहीं रही आप लोगों को, और जने क्या क्या आप कह रहे हैं? अरे ये तो ये अपने आप ही कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे भाई। ये जितनी भी राजनीतिक पार्टियां ये कह रही हैं, पंजाब में अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अगर वो नहीं देंगे तो क्या हमें आंदोलन नहीं करना चाहिए? यहाँ पे योगी जी कह रहे हैं कि हम 5 साल तक राशन फ्री देंगे, अगर वो नहीं देंगे तो क्या हमें आंदोलन नहीं करना चाहिए? अब वो ये कह रहे हैं कि हम बिजली मुफ्त देंगे किसान को, अगर वो कहकर मना करेंगे तो क्या आंदोलन नहीं करना चाहिए? अगर उन्होंने जो चीज कही है उसके प्रति अगर वो नहीं करेंगे तो हम आंदोलन करेंगे, हम पे आंदोलन ही रास्ता है। और कुछ नहीं। आपको नहीं लगता अभी जो ज्ञापन वापन दे रहे हैं, फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, जो 13 महीने किसानों ने अपनी यहाँ जान गवाई है, बस उसकी फॉर्मेलिटी चल रही है? नहीं तो जाकर के सीधे सीधे एकदम झगड़ा ही कर दे कैसे? आप तो ये कह दो भाई आप में तो बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है। आपको कहने में कोई दिक्कत थोड़ी लगा? मीडिया के हैक चाचा ने लिख कर यूँ कह लगी क्या जी आपको इतनी जल्दी क्या होगी? अभी सरकार बन तो जान देते, आप ही तो ये कहोगे। ज्ञापन देने का मतलब होता है कि अपने लोगों में जागृति फैलानी और सरकार को याद दिलानी। ज्ञापन का मतलब ये होता है, बस यही मतलब कि सरकार को ये पता चले कि हम बिल्कुल अलर्ट बैठे हैं, या तो हमारे काम करे जाए नहीं तो हम आंदोलन के लिए तैयार हैं। पीसी कर दो, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो। अरे मीडिया अगर इतना साथ देती तो, अगर इतना मीडिया साथ देती तो हमें काहे को बैठना पड़ता है यहाँ? ये मीडिया ही तो इलाज कर रही है इस देश का। मीडिया में क्या चल रहा है सब कुछ पता है सब, और हमने 13 महीना देख लिया भाई। मीडिया के बारे में ज्यादा जानकारी मत दो हमें, हमें पता है क्या दे रहे हैं। धन्यवाद बोल के गए थे आप तो 15 तारीख को। और क्या अच्छा झगड़ा कर रहे मीडिया से भी? अभी कह रहे मीडिया ने साथ नहीं दिया। अरे हम बताने जैसा साथ दिया, तुम्हें भी पता हमें भी पता, तुम्हें ना पता, तुम्हें पता नहीं है क्या? लगता खटाना जी को रास्ता निकलेगा, रास्ता निकलेगा, रास्ता है आंदोलन। आंदोलन मजबूत होगा, किसान और मजदूर मजबूत होगा तो सारे रास्ते निकलेंगे। रास्ते निकाल करके ही एक दिन में 3 कानून वापिस लिए, रास्ता निकाल करके ही एमएसपी पे कानून बनेगा। लखीमपुर में 8 की 8 सीट जीती है बीजेपी ने, जिनके खिलाफ आप आंदोलन कर रहे थे। अरे आप अभी पता भाई कैसे जीती हैं? 68 वोटों से जो जीत रहे हैं उनकी आप अभी पता कैसे जीती हैं? जीत एक वोट, देश का लोकतंत्र है। अगर लोकतंत्र खतरे में है तो उसका पहला राइट आपका भी है, आप भी अपने ऊपर ध्यान करो। वोट दे रहे हैं ना बीजेपी, मीडिया वाले भी अपने हिसाब से ध्यान करो क्या चल रहा है देश में। मतलब वोट अगर टीवी चैनल, अरे सुन लो भाई, टीवी देखे और मीडिया वालों को गाले, मीडिया वालों की बता तो रहे हैं हम। वोट तो आप जो आज देश में क्या चल रहा है, फिल्मों से इतिहास बताए जा रहे हैं, स्कूल बंद किए जा रहे हैं, कौन से टीवी चैनल पर डिबेट चल रही है? अरे आपके जिले की कौन से टीवी चैनल पर डिबेट, अरे कौन से टीवी चैनल पर डिबेट चल रही है? आप एक टीवी चैनल का नाम बताइए जिस पे डिबेट चल रही हो कि क्यों नहीं स्कूल खोले जा रहे हैं, क्यों मॉल खोले जा रहे हैं, क्यों सिनेमा हॉल खोले जा रहे हैं? कोई पूछता है मुद्दा? हम उठा रहे हैं, कहाँ उठा रहे हो आप? तो उठा रहे हो, बीजेपी जीत गई, बीजेपी जीत गई। अरे बीजेपी अगर हार भी जाती तो क्या आप पर गारंटी थी जो और सरकार आती वो सारे काम कर देती? उसके खिलाफ भी आंदोलन करना पड़ सकता था, हम इसके खिलाफ भी आंदोलन करेंगे। हराने की बात कही थी? हमने हराने की नहीं कही, हमने ये कहा था कि हम तुमको सबक सिखाएंगे, सिखा रहे हैं और आगे भी सिखाएंगे।
हमने कब कहा हराने की? जो आप कहते हैं पश्चिम बंगाल में हम हरा के, हमने नहीं कही पश्चिम बंगाल में हराए गए, हमने कही वहां के किसानों ने ये मांगा कि हमारे जो चावल है इसकी एमएसपी दे दो, यहां के किसानों को ये होगा कि हमें एमएसपी मिल जाएगी। ये तो किसान और मजदूर हराता है, हमारे और तेरे हाथ में नहीं भाई हराना। हराएगा वो, उसे ये लग रहा है कि मेरे गन्ने का पेमेंट हो जाएगा। किस बात पे वोट ले ली? 5 साल तक सरकार वोट लेने का काम कर रही है, वो सिर्फ लोगों को बहकाती हैं, काम नहीं करती। तो आप समझ गए, एक बार चढ़ती है काट की लकड़ी। हरा सकते किसी पार्टी को? किसान समझ गए ना, किसान हराएगा, हम क्यों नहीं हरा सकते? किसान हराएगा हम, तुम हाँ, एक आदमी के बस की किसी के नहीं होता। अगर आप ये कहते हो कि कोई भी नेता हरा देगा तो एक गलत भूल है उसकी, नेता के हाथ में नहीं होता, ये जनता के हाथ में होती है। और जनता जिस समय पर दुखी हो जाएगी उस समय इसका इलाज करेगी। अगर ज्ञापनों से नहीं मानते सरकार तो आगे क्या रणनीति आप लोग? अच्छा, कांग्रेस की सरकार की हालत क्या थी? कितने सांसद थे, आंदोलन हुए, सब कहते थे क्या खत्म हो जाएगी,